हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे बीसीसी वालों के लिए। जी हाँ, जो स्टूडेंट बीसीसी का एग्जाम 2023 में दिए हैं। जी हाँ बाबू, देखिए समझिएगा बढ़िया से कि जो स्टूडेंट बीसीसी का एग्जाम 2023 में दिए हैं उनके लिए आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात मोपअप राउंड का। जी हाँ, किसका बात करेंगे? मोपअप राउंड का। चलिए, और एक बात बता देते हैं हम लोग को कि जो स्टूडेंट बीसीसी का एग्जाम दिए हैं, चाहे तो वो किसी भी ग्रुप से रहिए, पीसीबी से रहिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रहिए, या कह सकते हैं मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रहिए, या मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर रहिए, इस सबको सभी के ग्रुप के लिए जो है मोपअप काउंसलिंग होगा। और ये मोपअप काउंसलिंग जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होने से पहले क्या करनी है आपको, एक एक बात डिटेल समझ लो, कहीं गड़बड़ा नहीं जाना, और वीडियो को शेयर कर देना, और एक बात समझ लेना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोपअप जो बिलिंगनेस होगा, एक बात समझिए, अभी मोपअप करने के लिए, क्या मोपअप में जाने के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं मोपअप में जाने के लिए, यानी आपको मोपअप कहाँ करवाना है? ऑफलाइन होगा, बोर्ड ऑफिस के पास, INS भवन पटना। लेकिन मोपअप में जाने के लिए क्या करना है आपको? ऑनलाइन बिलिंगनेस करवाना है। क्या? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऑनलाइन करवाना है। क्या करवाना? ऑनलाइन करवाना है, ऑनलाइन बिलिंगनेस करवाना है। बिलिंगनेस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको एक लिंक मिलेगा वेबसाइट पर। क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा, और उस लिंक पर लिखा रहेगा ऑफलाइन बिलिंगनेस काउंसलिंग। क्या लिखा रहेगा? ऑफलाइन बिलिंगनेस काउंसलिंग, काउंसलिंग लिखा रहेगा। और इस काउंसलिंग जो लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहां पर जो है आपका जन्म तिथि, क्या जन्म तिथि, जन्म तिथि और डेट ऑफ आपका, ये जन्म तिथि के साथ रोल नंबर ए डालनी है। क्या डालनी है? रोल नंबर। उसके बाद सबमिट कर देना है। क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। लेकिन एक बात समझिए यहां पे कि जब बीसीसी का क्या करवाना है, काउंसलिंग मोपअप जाना है, मोपअप के लिए ऑफलाइन के लिए सीट बची हुई है, तो इसके लिए जो आपको क्या करना है मोपअप के लिए, कि ऑफलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ऑनलाइन, उसके बाद ऑफलाइन होगा। तो ऑनलाइन के लिए बिलिंगनेस करवाना है, बिलिंगनेस के लिए आपको लिंक दिया रहेगा ऑफलाइन बिलिंगनेस काउंसलिंग, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और वहां जन्म तिथि और रोल नंबर डाल के सबमिट करना है। और ये सबमिट होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा वो 3 दिसंबर यानी 3/12/2023 को आएगा, ठीक है। 3/12/2023 को आएगा, तब आपको काउंसलिंग के लिए जाना, आपका रिजल्ट आएगा तो आप जाइएगा, ठीक है। और बिलिंगनेस की डेट की अगर हम बात कर ले तो बिलिंगनेस का डेट है 28/11/2023 से आपका ही चलेगा 1/12/2023 तक, ठीक है। 1/12/2023 तक, मात्र 2 दिन का डेट है, 2 दिन का टाइम है, जल्दी से बिलिंगनेस करवा दीजिए, आज से शुरू होगा। हाँ, लेकिन एक बात हम कहेंगे, मोपअप जब हो जाएगी तो जिनका रिजल्ट आ जाएगा मोपअप के लिए, कि आप मोपअप के लिए तैयार हैं, आप आइए मोपअप करवाइए, सीट मिलेगी, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट जो है मिलेगा क्या क्या, देखिए डॉक्यूमेंट उनको लगेगा आधार कार्ड। क्या लेके जाना है? आधार कार्ड लेके जाना है। फिर जो बिलिंगनेस होगा, ये जो आएगा सबमिट यानी बिलिंगनेस प्रिंट जो आप करवाइएगा, बिलिंगनेस प्रिंट, ठीक है, ये लेके जाना है। फिर एडमिट कार्ड आपका चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? इसके अलावा चाहिए रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया था, रैंक कार्ड चाहिए, ठीक है। फिर आपको इतना चीज लेके जाना है, साथ में फोटो जरूर रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ, फोटो के साथ आपको बायोमेट्रिक फॉर्म एगो अपलोड किया गया था, बायोमेट्रिक फॉर्म, वो बायोमेट्रिक फॉर्म आपको भर के लेके जानी है, 5 प्रिंट, ठीक है ना। तो ये था आपका डेट, याद रखिएगा, आज से शुरू है, 1 तक चलेगा, 2 से 3 दिन के लिए चलने वाला है, ठीक है। 3 दिन के बाद फिर आपका 3 तारीख के रिजल्ट आएगा बिलिंगनेस का, तो भी आप लोग का ऑफलाइन काउंसलिंग हो पाएगा मोपअप, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।